डिमांड की गई हैं और पेंडिंग में हैं। आज उन्हीं रेसिपियों में से एक रेसिपी हम लेके चलते हैं। आज हम बनाएंगे केक का बेस, चॉकलेट केक का बेस बनाएंगे, वो भी कढ़ाई में। आप में से कुछ व्यूअर्स की डिमांड थी कि कढ़ाई में या कुकर में आप हमें केक बनाना बताइए। हालांकि फ्रोलिक स्टेज के माध्यम से मैं आपके साथ ऑलरेडी कुकर और कढ़ाई में केक शेयर कर चुकी हूँ, तो आज इस बेस को हम फिर से कुकर में या कढ़ाई में बनाएंगे। कुकर में अगर आप बेस को बेक करते हैं तो कुकर का वेट वाल यानी कि सीटी को आप निकाल के रख दीजिएगा। यहाँ मैंने कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख दिया है, मैंने सिर्फ इस पे लिड लगाई है, अंदर नमक वगैरह या स्टैंड वगैरह हमने कुछ भी नहीं रखा है। तो इसका पहले बेस बनाएंगे। जिस भी कंटेनर में आपने केक को बेक करना है उसे ग्रीस करेंगे। मैंने यहाँ इसे ग्रीस कर लिया है और इसमें हम डालेंगे मैदा और मैदे को हम अच्छे से डस्ट कर लेंगे। इस प्रकार से हमने मैदे को अच्छे से ग्रीस किए हुए कंटेनर में रोटेट करना है। 100 ग्राम मैदा अगर आप लेते हैं तो 40 ग्राम आपने लेना है बटर, तो होममेड बटर है। होममेड बटर किस प्रकार से बनाना है इसकी रेसिपी के लिए आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। होममेड ही कंडेंस मिल्क है इसकी रेसिपी, जो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो 75 ग्राम हमने लेना है कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क और बटर वाला जो केक बेस रहता है वो खाने में बहुत ही टेस्टी रहता है, और जब इस केक की आप आइसिंग करते हैं तो ये और भी टेस्टी लगता है। तो हमने कंडेंस मिल्क और बटर को आपस में अच्छे से बीट करना है। आप चाहें तो बीटर की हेल्प से भी बीट कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क घर पे बनाना ना सिर्फ इजी है बल्कि इकोनॉमिक भी पड़ता है, साथ ही साथ इसमें कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह हम यूज नहीं करते हैं, तो ये हाइजीनिक भी रहता है और केमिकल फ्री भी रहता है। अब इसमें डालेंगे हम 100 ग्राम मैदा, 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर, इसे भी इसमें डालेंगे, 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस, 1 टीस्पून लिया है बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून लिया है बेकिंग सोडा। इन दोनों को थोड़े से पानी में डिसॉल्व करके हम इसमें ऐड करेंगे। अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए केक बैटर को तैयार करना है। तकरीबन 1/2 गिलास जो है वो वाटर इसमें चला जाएगा। केक बैटर को जब भी मिक्स करें बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा करके। मैंने जैसा कि आपको बताया 1/2 गिलास पानी इसमें लग जाएगा, लेकिन डालना पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके है। आप देख लीजिए इस प्रकार का जो बैटर है वो तैयार होना चाहिए। इसे तैयार किए हुए कंटेनर में पोर करेंगे, इसे हम टैप करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। गैस को बिल्कुल सिम करने के बाद हम इसे कंटेनर को कढ़ाई में रखेंगे और लिड लगा के 20 से 25 मिनट तक, जब तक कि केक पूरी तरह से बेक नहीं हो जाए तब तक के लिए बेक करेंगे। 20 मिनट के बाद हम इसमें एक टूथपिक डाल के चेक कर लेंगे कि केक पूरी तरह से बेक हुआ है या नहीं। 25 मिनट में हमारा ये केक जो है पूरी तरह से बेक हो गया था। मैंने इसके अंदर टूथपिक को इंसर्ट करके देखा था, पूरी तरह से वो ड्राई निकली थी। अब ये केक जो है थोड़ा ठंडा हो गया है। साइड्स को नाइफ से अलग कर लेंगे। आप देख रहे होंगे कितना सुंदर ये केक हमारा बेक हुआ है। इसे अब हम डीमोल्ड करेंगे। मैंने इसे 2 पीसेस में कट कर लिया है। मैं इस पे लगा रही हूँ चॉकलेट सॉस। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और चॉकलेट सॉस को बनाने के बाद जब आप इसे फ्रिज में रख देते हैं, ओवरनाइट ये फ्रिज में रखी रही है तो इस वजह से ये थिक हो गई है। तो हमने रात भर फ्रिज में रखने के बाद चॉकलेट सॉस को इस पे लगाना है। हमने चॉकलेट
रेड सॉस को इस पे स्प्रेड कर दिया है। इस पीस के नीचे हम रखेंगे एक स्टैंड और सेकंड पीस को मैं इस पे रख रही हूँ उल्टा। अब मैंने कुछ चॉकलेट सॉस को गैस पे गर्म कर लिया है, इसे हम इस पे पोर करेंगे। कुछ सिल्वर बॉल्स स्प्रिंकल करेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वे में ये केक बनके तैयार हो जाता है और कोई भी इसे बहुत आसानी से बना सकता है। मेरे पास कुछ छोटे सिल्वर बॉल्स भी हैं तो मैं उन्हें भी इसके साथ स्प्रिंकल कर रही हूँ। मैं आपको ये केक को कट करके दिखाती हूँ, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कितना सॉफ्ट हमारा ये केक बना है। चॉकलेट लवर्स को ये केक बहुत पसंद आता है। आई होप कि आपने चॉकलेट केक को एंजॉय किया होगा। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो फ्रोलिक स्टेज को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।